वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, सीआईपीसीसी नवंबर 2018 का जीएसटी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मैं सीएस के अग्रवाल, आईसीआई एंड आईसीएसआई टैक्स फैकल्टी प्लस 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन 11A मार्च 4, इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में, और ये हमारी जीएसटी वॉल्यूम 1 की बुक है एंड दिस बुक इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स एंड मेमोरी चार्ट्स। क्वेश्चन 11A, ये वैसा ही क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट का बेसिकली, जहां पर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एस और आउटपुट आई और उसका इनपुट, ये आपस में कैसे एडजस्ट होगा वो दिखला देते हैं। बस बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो हमने आउटपुट I3249 इस तरह से याद रखिएगा, तो 324 और 9 लिख दिया, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट करंट वाला है वो है 12714, तो वो भी हमने लिख दिया 12714, इस तरह से रेंज है। अब जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आई आई के साथ, फिर सी सी के साथ, एस एस के साथ, 1 2 3, उसके बाद बच जाएगा तो आई एडजस्ट होगा सी के साथ, 4 लिखा हुआ है, फिर आई एडजस्ट होगा एस के साथ जहां पर 5 लिखा हुआ है, और फिर भी अगर आई का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बचता है तो सी आई के साथ एडजस्ट होगा, एस आई के साथ एडजस्ट होगा, सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं। अब देखिए ये कैसे एडजस्ट होगा, 12 में से 3 आई के साथ एडजस्ट हो गया, 7 पूरा एडजस्ट हो गया सी के साथ, और 14 में से 9 यहां एडजस्ट हो गया। अब जो 5 बचा हुआ है वो आई के साथ एडजस्ट हो नहीं सकता क्योंकि आई खत्म हो चुका, इसका 0 हो चुका, तो हमने 5 को कैरी फॉरवर्ड कर लिया एस का। अब आइए बचा हुआ क्या है, अब आई का 9 बचा हुआ है, अब हम लोग आई का 9 बचा हुआ तो 4th में आएंगे, तो हम लोग इसको सी के साथ एडजस्ट कर दिया, तो आई कुछ नहीं देना, एस आप सी आपको देना पड़ेगा 8000, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको सी के अकाउंट में 8000 जमा करवा के जमा करवाना होगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन प्रपोज अमेंडमेंट है जहां पर ये वाला टेबल चेंज हुआ है, और ये टेबल इस तरह से हो गया, मतलब पहले सबसे पहले आई पूरा एडजस्ट होगा, तो हमने पूरा आई एडजस्ट किया 3 और ये 9, देखिए 1 2 3 पहले पूरा आई एडजस्ट हो रहा है, इसके रीजन है मैंने लेक्चर्स में बताए, यूट्यूब में भी हमने डाले हैं उसको। उसके बाद सी एडजस्ट होगा यानी कि ये 7, उसके बाद सी का क्रेडिट अगर बच जाता है तो वाई के साथ एडजस्ट होगा, लास्ट में एस का क्रेडिट एडजस्ट हो रहा है तो ये लास्ट में हमने एडजस्ट कर दिया 6, तो आंसर यहां पर सेम आया, लेकिन यही मैं आई का क्रेडिट को 28000 29000 कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो आप ये कर लीजिएगा, आप होमवर्क है आपके लिए। मान लीजिए मैं इसको 28000 करता हूं या 29000 करता हूं, तब देखिएगा क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 11B 4 मार्क्स। आइए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेसर्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ₹2 lakh फ्रॉम द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन दिस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2017 व्हिच इज इन एलिजिबल क्रेडिट, यानी कि वो एक्स्ट्रा क्रेडिट क्लेम कर लिया था और वो एक्स्ट्रा क्रेडिट उसने आउटपुट टैक्स से कम कर दिया, किस मंथ में, दिसंबर के मंथ में। ए शोकॉज नोटिस वॉज इशूड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट टू पे टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। मेसर्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड पेड द टैक्स इंटरेस्ट ऑन 31st मार्च 2018, कैलकुलेट द इंटरेस्ट लायबिलिटी, इग्नोर पेनल्टी। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसने ये क्रेडिट कब क्लेम किया, ये इस पूरे क्वेश्चन में नजर ही नहीं आ रहा। तो जिस मंथ उसने गलत क्रेडिट क्लेम किया है उस मंथ से उसका इंटरेस्ट का पीरियड शुरू होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। तो अब कैसे कैलकुलेट करें, तो हो सकता है मैं गलती करूंगा ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो हमने क्या किया, दिसंबर मंथ का जो रिटर्न जाना है वो जनवरी में आना है, यानी कि 20 जनवरी 2018 तक जीएसटीआर 3B। तो हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो 20 जनवरी से यानी कि 21 जनवरी से 31 मार्च तक का कैलकुलेट कर लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एलिजिबल क्रेडिट का 24% है, तो हमने इसी को कैलकुलेट करके इतना निकाल लिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हो सकता है मैं इसमें गलती कर रहा हूं, कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा, उस एजम्पशन के बेसिस पे ये इंटरेस्ट है। अब जो सीए का सजेस्टेड आंसर आता है वो क्या करते हैं, गॉड नोज। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 11C 2 मार्क्स का। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ विकास एंटरप्राइज ऑफ मुंबई हैज एक्सीडेड 25th जनवरी 2018, इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 15th फरवरी 2018, दैट इज विद इन 30 days, it submits it. Registration certificate is granted on 20th February, within 3 days grant होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन 20 फरवरी को grant हो रहा है, तो determine the effective date of registration. तो rule 10(2) के according
अगर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मेड विद इन 30 डेज देन एफेक्टिव डेट विल बी डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 25th January 2018। ठीक है, और इसमें फिर कॉन्सेप्ट आता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का, क्योंकि 25 जनवरी से लेकर 20 फरवरी यानी कि 19 फरवरी तक वो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा, तो उसको रिवाइज करके इशू करना पड़ेगा ताकि सामने वाली पार्टी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सके, और सामने वाली पार्टी कंज्यूमर है तो इसको अपने पॉकेट से वो जीएसटी का अमाउंट देना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले taxbykk.com भूलिएगा मत, वहां पर हमारे आपके लिए बुक्स है, वीडियोज है, एक्सेल शीट्स है और टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये सारा पीडीएफ सीए इंटर और आईपीसीसी का आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग एक लिंक देंगे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने आप को, और वहां पर हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला, हम कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे आपके लिए। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।